मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता, साया भी धूप में आने के बाद ही मिलता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ स्वाति ठाकुर। आज आपके साथ जो न्यूज़ शेयर करने जा रही हूँ दैट इज़ रिलेटेड टू द CBSE, और जो भी बच्चे 9 to 12 क्लास में है, स्पेशली वो बच्चे जो कि CBSE बोर्ड के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए 2021 से लेके 2022 तक CBSE बोर्ड ने असेसमेंट स्कीम जो है वो अनाउंस कर दी गई है। जैसे आप लोग जानते हैं कि इस साल भी कोरोना पैंडेमिक रहा जैसे लास्ट ईयर था, तो हर साल क्या हो रहा है कि CBSE को एक नया प्लान बनाना पड़ रहा है कि कैसे जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस किया जाए, किस तरह से एग्ज़ाम लिए जाए, क्योंकि एग्ज़ाम तो हो नहीं पा रहे हैं। तो इस बार CBSE ने क्या किया है कि पहले ही 2021 से 22 तक का जो असेसमेंट की स्कीम होती है उसे पहले ही अनाउंस कर दिया गया है, बता दिया गया है कि किस तरह से पेपर जो है वो लिए जाएंगे। अगर कोरोना कंटिन्यू रहता है, थर्ड वेव आती है, तब पेपर किस तरह से लिए जाएंगे, तो उसकी आपको मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो यहाँ पर क्या किया है CBSE ने, 50% सिलेबस जो है वो डिवाइड कर दिया गया है। टर्म वन एंड टर्म टू, ये दो चीज़ें जो हैं वो नई लेके आए हैं। टर्म वन के एग्ज़ाम वो कब लेंगे, नवंबर के मंथ में, एंड टर्म टू के एग्ज़ाम वो लेंगे मार्च और अप्रैल के बीच में, यानी कि 2022 में वो एग्ज़ाम लेंगे। टर्म वन की जो भी एग्ज़ाम होंगे वो नवंबर से दिसंबर के बीच में होंगे। इसमें क्या दिया जाएगा कि 90 मिनट का पेपर होगा, इसमें MCQ होंगे, और जो भी आप क्वेश्चन के आंसर दोगे उसमें आपको OMR शीट प्रोवाइड की जाएगी, जिसके ऊपर आपको अपना आंसर देना है। जो भी MCQ होता है यानी कि ABCD, तो आपको उसमें से एक चूज करके उसके ऊपर आपको टिक लगाना है। देन जो पेपर की मार्किंग का स्कीम है वो भी CBSE के द्वारा भेज दिया गया है। ये जितने भी एग्ज़ाम होंगे, ये हो सकता है कि आपके स्कूल में हो, या फिर जिस तरह से आपके फाइनल एग्ज़ाम होते हैं आउट ऑफ द स्कूल किसी गवर्नमेंट कॉलेज में या गवर्नमेंट स्कूल में, तो उसी तरह से इनको हो सकता है कि आपके एक्सटर्नल आएँ और वो आपके एग्ज़ाम को कंडक्ट करें। तो इस तरह से आपके टर्म वन का एग्ज़ाम होंगे। देन मार्च एंड अप्रैल में टर्म टू की परीक्षाएं होंगी। 50% सिलेबस जो है वो कवर किया जाएगा टर्म वन में, एंड 50% जो बच जाएगा वो कवर किया जाएगा टर्म टू में, जो कि मार्च और अप्रैल के बीच में होने वाली है। और इसमें भी जो एक्सटर्नल है वही एग्ज़ाम को कंडक्ट करेंगे जैसे कि हर साल होता है, और ये 2 घंटे की परीक्षा होगी। जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर जो है वो दिया जाएगा बोर्ड की तरफ से, जिसमें बच्चे जो है अपना आंसर लिखेंगे, लेकिन उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि मान लीजिए मार्च और अप्रैल में भी कंडीशन सही नहीं रहती है कोरोना का, उस समय भी मान लीजिए कहर अगर ज़्यादा हुआ, तो तब 90 मिनट का ही पेपर लिया जाएगा जैसे टर्म वन में होगा। उसमें भी MCQ पूछे जाएंगे और OMR शीट के ऊपर आपको अपने जवाब देने होंगे। कोरोना चाहे बढ़े या कम हो, लेकिन हर एक सीन में जो नतीजा है, जो इसका फॉर्मूला है CBSE का, वो तय कर दिया गया है, और इसी के अकॉर्डिंग जो है एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाएगा। कुछ क्वेश्चन हैं इसमें कि मान लीजिए कि अगर दोनों ही टर्म में परीक्षाओं के लिए स्कूल खुल गए, तो अगर ऐसा होता है तो कोरोना महामारी की स्थितियों में सुधार मान लीजिए अगर आ गया, तो टर्म वन और टर्म टू दोनों ही परीक्षाएँ स्कूल या परीक्षा केंद्र पर आयोजित होंगी, और अंतिम नतीजों में अगर दोनों ही टर्म के अंकों को बराबर बराबर यानी कि 50:50 का योगदान जो है माना जाएगा, दोनों में इक्वल रेशियो में आपको जो है रिजल्ट मिलेगा। लेकिन सेकंड क्वेश्चन आता है कि अगर टर्म वन में स्कूल बंद रहे और टर्म टू में खुल गए तब क्या होगा। अगर स्कूल नहीं खुले तो टर्म वन की परीक्षा जो है वो ऑफलाइन जाएगी, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा या फिर ऑब्जेक्टिव, वो उनके अकॉर्डिंग है, और हो सकता है एक्सटर्नल कंडक्ट करने आए, ये भी हो सकता है। और टर्म टू की परीक्षा तक अगर मान लीजिए स्कूल नहीं खुले तब क्या होगा कि जो लास्ट में रिजल्ट है टर्म वन का, उसके अंकों का जितना भी वेटेज होगा वो कम कर दिया जाएगा, यानी कि टर्म टू को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी क्योंकि उस टाइम पर स्कूल खुले होंगे, और टर्म वन में अगर स्कूल बंद होंगे तो उसकी जो वेटेज है वो कम मिलेगी। तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि यदि टर्म वन में स्कूल में अगर आप मान लीजिए पेपर दे पाते हैं, लेकिन टर्म टू में स्कूल अब बंद कर दिए गए हैं, तो क्या होगा।
अगर ऐसा होता है तो मार्च या अप्रैल तक स्कूल जो है मान लीजिए लगातार ही बंद रहे, तो टर्म टू के पेपर ऑब्वियसली नहीं हो पाएंगे स्कूल में, तो उस टाइम पर टर्म वन और इंटरनल असेसमेंट जो आपके टीचर्स आपको देंगे उसी के आधार पर रिजल्ट जो है आपका बनेगा। एक और पॉइंट है कि यदि टर्म वन और टर्म टू दोनों में ही स्कूल बंद रहे तब क्या होगा? अगर पूरे ही साल स्कूल बंद रहते हैं तो उस CBSE के अकॉर्डिंग दोनों टर्म के अंकों के साथ जो आपकी इंटरनल असेसमेंट है उसके अंक जोड़कर और रिजल्ट जो है आपका तैयार किया जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है CBSE के द्वारा अनाउंस कर दिया गया है, असेसमेंट CBSE के द्वारा अनाउंस कर दी गई है। और अगर स्कूलों में इंटरनल असेसमेंट को मजबूत करने के भी उनके द्वारा कुछ प्लानिंग बनाई गई है वो भी आप देख लीजिए। दोनों टर्म की परीक्षा के अलावा स्कूलों की कक्षा मान लीजिए 9th व 10th में जो इंटरनल असेसमेंट है उसके तौर पर पूरे साल में कम से कम 3 पीरियोडिक टेस्ट जो है स्कूल वालों को लेने ही होंगे। इसके अलावा स्टूडेंट जो है स्टूडेंट एनरिचमेंट पोर्टफोलियो वो प्रैक्टिकल और बोलने सुनने की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर कोई प्रोजेक्ट हो गया उनको शामिल किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग बच्चों को मार्क्स दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं 11th व 12th क्लास के बच्चों के लिए, तो उन सारे बच्चों को स्कूलों की तरफ से पहले तो इंटरनल असेसमेंट मिलेगी अकॉर्डिंग टू देयर यूनिट टेस्ट, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क जो भी उन्होंने बनाया होगा उसके अकॉर्डिंग उन्हें मार्क्स मिलेंगे। और सभी स्कूलों को CBSE के जो IT पोर्टल हैं उसके ऊपर अपने बच्चों के जो स्टूडेंट हैं उनके स्कूल के उनके इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क्स हैं वो अपलोड करने होंगे। और जब वो ये सारा काम करेंगे तब फाइनली इंटरनल असेसमेंट उनके द्वारा लगेगी और वो फाइनल रिजल्ट में ऐड हो जाएंगे। तो ये थी सारी की सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द CBSE असेसमेंट स्कीम जो उनके द्वारा अनाउंस की गई है। तो बच्चों के लिए अगला साल भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। अब उनके ऊपर ज़्यादा भार नहीं है कि एक ही बार में सारा सिलेबस करना है, 50-50% कर दिया गया है, तो ये काफ़ी अच्छी वाली बात भी है। और वी आर होपिंग कि अगर स्कूल खुल जाए तो काफ़ी अच्छा होगा उनके लिए भी, बट जो अब होगा उसका तो सबको ही इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट द CBSE। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।